और बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी तो गई, 2 घंटे से पहले नहीं आने वाली। हाँ शर्मा आंटी से चुगली भी तो करनी है। चल चले। हाँ चलते हैं। लो चली गई। अब सारे पर्दे लगा देती हूँ जल्दी से ताकि कोई देख ना ले। और मैं पॉपकॉर्न ले आती हूँ। ओए सुन, ये लिपस्टिक मम्मी के होते हुए तो कभी नहीं लगा सकते हम, है ना? इसके जितनी लाल लिपस्टिक लगाऊंगी बिल्कुल, देख रही तू? और मैं तो देख बिल्कुल इसकी तरह तैयार होऊंगी। वो देख उसका ब्लाउज ना छोटा सा है, तो इसको ऊपर कर लेना। हाँ सही कह रही है। अम्मा को गुस्सा लेना। हाँ ठीक है। अरे मैं अपना पर्स तो ले जाना ही भूल गई। मिर्गी आ रही है ना, अभी उतारती हूँ तेरी मिर्गी। तो आप सबकी डिमांड पे हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं हमारी देसी मॉम एंड ब्यूटी। और आज की वीडियो में होने वाला है बहुत ज्यादा घमासान और मस्ती भी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी से लाइक करो यार। अरे चलो बातें करती रहोगी। मम्मी भूख लगी है, खाना लगाना। और तो तुझे खाने में चप्पल पड़ेगी। पहले ये बता किस लफंडर के साथ घूम रही थी, कहां मुंह काला करा के आई है? मम्मी गाड़ी से पैसे ज्यादा लगते ना, इसलिए ओला बाइक किया था। एक तो आपके पैसे बचाओ, ऊपर से आप चुगल को और आंटियों की बातों में आती हो। मम्मी आप हमेशा ऐसे करती हो, आपको बुरा नहीं लगता क्या मेरे लिए? मुझे नहीं करने आपसे बात। अरे बेटा मैं तो चप्पल दिखा रही थी, नहीं लेके आई हूँ। बड़ी जल्दी गंदी हो गई। गुड्डी बेटा अरे नाराज हो गई क्या? ये देख मैं तेरे लिए स्पेशल तेरा फेवरेट खाना बना के लाई हूँ। हाँ दो। मम्मी अब नींद आ रही है। हाँ तू पढ़कर थक गई होगी, अब थोड़ी देर सो जा। बेबी अब आप भी दो ना। नहीं बेबी नहीं कर सकता, पापा है अभी साथ में। बेबी आपका पर्सनल रूम नहीं है? मैंने तो अपने घर पे साफ बोल रखा है, प्रिवेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मम्मी अभी तो खाना खाया ना। वो बेटा खाने के बाद मीठा भी चाहिए होता है ना। ये फोन दिखा जरा मुझे। ओला ड्राइवर? अच्छा तो ये ओला ड्राइवर वाले आजकल पैसों की जगह पपिया ले रहे हैं। ऐसे पैसे बचा रही है तू मेरे ना? मेरी बेबी कहाँ है? तेरी बेबी गई अपने पर्सनल रूम में। मैडम ओटीपी। अरे 2347।
कपड़े तो आ गए, अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। पर इस मोटी नाक का क्या करूँ? एक काम करते हैं, पहले एक ब्राउन शेड लेती हूँ, उसको अच्छी तरह से नाक पे वी शेप में अप्लाई कर देती हूँ, फिर दोनों तरफ नाक की कंसीलर लगा देती हूँ और उसे भी ब्लेंड कर देती हूँ। अब लूज पाउडर लेके दोनों तरफ अप्लाई कर दो और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो, फिर इसे रिमूव कर दो और देखो मेरी नोज कितनी ज्यादा शेप में लग रही है। ओ, फोटो खिंचवाना तो भूल ही गई, वापस चलती हूँ। बहन बहन सुन ना, देख मैं कितने अच्छे से तैयार हूँ, मेरी फोटो खींच देना। अबे चल चल गेम खेल ले, मैं नहीं खींच रही। पापा 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 मेरी फोटो खींच दो ना प्लीज। अरे बेटा मेरे बस की कहाँ है ये सब। अब आखिरी उम्मीद तुम ही हो माँ। मम्मी मेरी फोटो खींच दो। अरे हाँ चल नाच नाच। अरे मतलब पोज बना पोज। मम्मी फोन तो सीधा करो। ओए कितनी सुंदर लग रही है, दिखाना। ये देख अच्छी है ये ना। अगर आपको भी मेरी तरह आंखें बड़ी बड़ी चाहिए तो इस तरह से आईज की एंड पे व्हाइट काजल लगा लो और ठीक उसी के ऊपर ब्लैक विंग लाइनर लगा लो और सेम इसी तरह दूसरी आईज पे भी कर लो। अब इनर कॉर्नर पे ठीक इस तरह से व्हाइट काजल लगाओ और उसे ब्लैक लाइनर से कनेक्ट कर दो और आपकी आंखें लगेंगी बहुत ही बड़ी बड़ी और लंबी भी। लग रहा है ना सुंदर। तो चलो आप नाशपाती काट के दो जल्दी। तू चल मैं लेके आई, पहले मिर्च काट लेती। ये ले खा आराम से। मम्मी कितनी मिर्ची है इसमें। अरे मिर्ची कहाँ से आ गई। कहाँ है मिर्च? लगता है मम्मी ने मिर्ची वाले चाकू से ही काट दिया। तो गाइस ये था हमारा वीडियो देसी मॉम एंड ब्यूटी। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना और पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। पापा बोल रहे हैं यार, पापा की बात तो माननी चाहिए। और बस अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।